हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एएस नीट। आज के वीडियो में अपन डिस्कस करेंगे सबसे ज्यादा अभी के लिए जो डिमांडिंग टॉपिक है कि नीट की काउंसलिंग स्टार्ट क्यों नहीं हो रही है और क्यों लगातार ये डिले हो रही है, क्या इसका रीजन है और अगर ये डिले हो भी रही है तो आखिर कब तक ये स्टार्ट हो सकती है। इस वीडियो में मैं आपको कुछ फैक्ट्स के बारे में बात करूंगा कि जिसकी वजह से ये प्रूफ मैं आपको करने की कोशिश करूंगा कि क्यों एमसीसी की काउंसलिंग जो है डिले हो रही है और कब तक ये काउंसलिंग स्टार्ट हो सकती है। कुछ पॉइंट्स हैं जिनके ऊपर मैं बात करूंगा। उससे पहले आप वीडियो को लाइक कर देना अभी से और सब्सक्राइब जरूर किया करो। जितने स्टूडेंट्स आप वीडियो देखते हो, पेरेंट्स आप सब्सक्राइब नहीं करते हो, इवन कॉल भी करते हैं तो मैं उनको पूछता हूँ कि आपने सब्सक्राइब चैनल को किया हुआ है या नहीं, तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब किया करो ताकि मेरा कॉन्फिडेंस बूस्ट रहे और मैं आपके लिए क्योंकि हेल्पफुल वीडियो बनाता हूँ तो आप जितने इस वीडियो को देखते हो तो उतने कम से कम आधे तो लाइक किया करो और सब्सक्राइब जरूर किया करो चैनल को, आधे तो कम से कम, ताकि चैनल थोड़ा ग्रो हो और मैं आपको इसी तरीके से अपडेट दे पाऊँ अच्छी तरीके से इम्प्रूव करके। तो उम्मीद करता हूँ कि आप चैनल को सब्सक्राइब करोगे और सब्सक्राइब करने के साथ साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करोगे वीडियो को, जिससे कि बाकी स्टूडेंट्स का भी फायदा हो जाए। अभी बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं कि काउंसलिंग कब से स्टार्ट हो सकती है और क्या है इसका डिले होने का रीजन। सबसे पहला रीजन है जो डिले होने का, वो है कि रिजल्ट अभी एनटीए ने पब्लिश नहीं किया है, अभी तक भी पब्लिश नहीं किया। जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ तब तक कोई भी रिजल्ट के बारे में इन्फॉर्मेशन नहीं है, कोई नोटिफिकेशन नहीं है, तो फिर कैसे हो सकता है कि जब आप ये वीडियो देखो लेट तो हो सकता है कि रिजल्ट पब्लिश हो जाए, लेकिन जब तक मैं वीडियो बना रहा हूँ तब तक कोई रिजल्ट एनटीए ने पब्लिश नहीं किया है। अब ये रिजल्ट इतना डिले क्यों हो रहा है? अगर तो ये आज रिलीज हो जाता है तो वेल एंड गुड, वरना मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा कि ये इसमें भी डिले क्यों हो रहा है। ठीक है, तो अब इसका इससे क्या रिलेशन है? रिलेशन ये है कि बिना नीट स्कोर के नीट का रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाओगे, यानी कि एमसीसी की जो मेडिकल कॉलेजेस की काउंसलिंग है उसके लिए रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जब रजिस्ट्रेशन करेंगे तो उसमें सबसे पहली चीज़ जो सबसे नेसेसरी होगी वो होगा आपका नीट का स्कोर कार्ड। अब आपका नीट का स्कोर कार्ड ही आपके पास अवेलेबल नहीं है क्योंकि रिजल्ट पब्लिश नहीं हुआ है, तो फिर कैसे रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो सकते हैं? क्योंकि कि काउंसलिंग का स्टार्ट होने का मतलब ही ये होता है कि वहाँ आपके रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होंगे और रजिस्ट्रेशन में सबसे ज़्यादा ज़रूरी होगा आपका नीट का स्कोर कार्ड, क्योंकि रिजल्ट पब्लिश अभी तक नहीं हुआ है तो स्कोर कार्ड तो आपके पास है ही नहीं, तो कैसे आप इसको रजिस्ट्रेशन कर पाओगे? तो ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा कि क्यों ये डिले हो रहा है, नंबर फर्स्ट रीज़न आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट बात करते हैं, अगर आप हमारी काउंसलिंग में हेल्प लेना चाहते हो तो रजिस्ट्रेशन आप इन नंबर्स के ऊपर हमें कॉल कर सकते हो। इसके लिए कॉल आप कर सकते हो, व्हाट्सएप आप मैसेज कर सकते हो, ये नंबर आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहे होंगे, लेकिन इसके लिए कंडीशन होगी कि आपको कुछ चार्जेस पे करने पड़ेंगे। आप कॉल करते हो तब भी आपको कुछ चार्जेस के लिए बोला जाएगा और व्हाट्सएप के लिए भी बहुत ज़्यादा नहीं है, एकदम मिनिमल चार्ज होगा, उसमें आपको हम डिटेल दे पाएंगे उसके बाद में, वो पेमेंट के बाद में कि आपको कॉलेज मिलने के चांसेज होंगे या फिर नहीं होंगे, तो या फिर कहाँ पर आपको एडमिशन मिल सकता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इसको नंबर पर कॉल करोगे तो पहले पेमेंट के बारे में बात करके उसके बाद में अपन डिस्कस करेंगे। पेमेंट का रीज़न भी मैं आपको बताऊंगा। अभी आते हैं पॉइंट के ऊपर वापस। दूसरा रीज़न जो कि है नीट डिले होने का, काउंसलिंग डिले होने का, वो है पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट। अब ये स्क्रीन के ऊपर आपको मैं दिखा भी दूंगा, तो ये पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट के लिए अभी तक कोई भी नोटिफिकेशन एमसीसी एनएमसी की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर नहीं देखने को मिला है, और अगर ये देखने को नहीं मिला है तो अभी काउंसलिंग कम से कम 7 से 10 दिन तक स्टार्ट नहीं होने वाली, क्योंकि ये स्क्रीन के ऊपर आपको नोटिफिकेशन दिखा होगा। मैं आपको दिखाता हूँ कि कौन कौन से टाइम पर ये पब्लिश जो नोटिस है वो रिलीज हुआ था। नीट 2023 की अपन बात करें तो स्क्रीन के ऊपर आपको दिख रहा है कि पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट 2023 में ये पब्लिश किया गया था 5 जुलाई 2023 को, यानी कि 5 जुलाई को ये नोटिस रिलीज हुआ था, क्योंकि अभी आज की डेट जो है 26 जुलाई को आप ये वीडियो देख रहे होंगे, या फिर मैं 26 जुलाई को ये वीडियो बना रहा हूँ तब तक कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आया है, तो इसमें ऑलरेडी 21 डेज का डिले है, क्योंकि नीट 2023 का एग्जाम भी मई के अंत में हुआ था और इसमें डिले होने का रीजन आपको पता ही है कि 2024 में क्यों डिले हो रहा है। अब बात करेंगे कि काउंसलिंग कब से स्टार्ट हुई थी ये नोटिस रिलीज होने के बाद में, तो काउंसलिंग स्टार्ट हुई थी 20 जुलाई 2023 को, यानी कि काउंसलिंग और जो पब्लिश किया गया था पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट उसके बीच में जो डिस्टेंस था, यानी कि जो टाइम का गैप था, वो था 15 डे के बाद में आपकी काउंसलिंग स्टार्ट हो गई थी पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट के बाद में। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि जब भी पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट रिलीज होता है
यानी कि उसका नोटिफिकेशन रिलीज होता है उसमें कम से कम 10 दिन या सॉरी कम से कम एक हफ्ता यानी कि 7 डेज या फिर 10 डेज का मैक्सिमम टाइम आपको दिया जाता है, जिसमें कि PWD सर्टिफिकेट के जो बच्चे हैं, PWD जो हैंडीक्राफ्ट हैं, किसी भी डिसेबिलिटी है उनके अंदर, तो वो भी तो पार्टिसिपेट करेंगे काउंसलिंग में, और उनके लिए ये नोटिस रिलीज किया जाता है ताकि वो अपना लेटेस्ट सर्टिफिकेट बनवा पाए कि बॉडी के कौन से पार्ट में उनको डिसेबिलिटी है उसको प्रूव करने के लिए, क्योंकि जो काउंसलिंग होगी उसमें उसकी ज़रूरत पड़ती है और रिपोर्टिंग के टाइम पर भी, तो इसलिए वो रिलीज किया जाता है। तो अभी तक ना तो नीट का रिजल्ट आया है ना ही अब PWD सर्टिफिकेट के लिए कोई नोटिफिकेशन आया है, तो अभी इसमें डिले आप खुद समझ सकते हो कि कितना हो सकता है। नंबर बात करते हैं थर्ड जो रीज़न था वो मैंने बता दिया, अब बात करते हैं फोर्थ जो रीज़न है उसका। फोर्थ रीजन पे आने से पहले, अब अगर यहाँ तक आप वीडियो देख रहे हो और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले सब्सक्राइब का बटन आप प्रेस करो, सारे नोटिफिकेशन को ऑन करो और लाइक जरूर करना ताकि मेरी जो मेहनत है वो सफल हो पाए, और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर जरूर करना, यही आपका काम है। एक सेकंड का टाइम लगेगा, आप जरूर करिएगा, मेरी मेहनत को जरूर इसको अप्रिशिएट करिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं सीट मैट्रिक्स। तो MCC ने अभी तक मेडिकल कॉलेजेस की लिस्ट भी पब्लिश नहीं की है अपनी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर। ये भी एक मेन रीजन है, क्योंकि मेडिकल कॉलेजेस के बारे में पता होएगा कि ऑलमोस्ट कितनी सीटें जो है भरने जाने वाली है इस साल इस काउंसलिंग के थ्रू, उसके बारे में कोई नोटिफिकेशन नहीं है, जो कि हर साल MCC डालता है काउंसलिंग स्टार्ट होने से पहले। तो अगर ये नोटिफिकेशन या फिर ये MCC के वेबसाइट के ऊपर सीट मैट्रिक्स अपलोड नहीं हुआ है तो इस मतलब है कि नंबर ऑफ मेडिकल कॉलेजेस जो पार्टिसिपेट करने वाले हैं उसके बारे में अपन को नहीं पता, जो कि पता होना चाहिए, हर बार पता करवाया जाता है, लेकिन इस साल अभी तक कोई भी कुछ देखने को नहीं मिला। नेक्स्ट बात करते हैं नंबर ऑफ टोटल MBBS सीट्स। जब मेडिकल कॉलेजेस के बारे में नहीं पता तो नंबर ऑफ सीट्स के बारे में अपन को नहीं पता, कितनी सीटें यहाँ पर फिल होने वाली हैं, MBBS की कितनी सीटें हैं। ऑल तो अपन को पता है कि कितनी सीटें हैं, लेकिन ये पब्लिश करना जरूरी होता है MCC को कि किस तरीके से सीटें पार्टिसिपेट करने वाली हैं। और नेक्स्ट बात करते हैं जो 113 नए मेडिकल कॉलेजेस के बारे में स्टूडेंट्स हमें कॉल करते हैं और वो डायरेक्ट यही बोलते हैं कि सर सीटें इंक्रीज हो रही हैं, 113 मेडिकल कॉलेज नए बन चुके हैं, उनको अप्रूवल मिल चुका है, तो फिर कट ऑफ कम क्यों नहीं जा रही है, आप ये क्यों नहीं बताते। तो देखिए यार, इसका सीधा सा लॉजिक ये है कि ये 113 मेडिकल कॉलेजेस ने सिर्फ और सिर्फ MCC के पोर्टल के ऊपर NMC में यानी कि MCC में सिर्फ रजिस्ट्रेशन किया है कि हमें अप्रूवल चाहिए, तो इसका मतलब ये नहीं है कि इनको अप्रूवल मिल गया है। मैं चाह रहा था कि एक वीडियो में इसको क्लियर करूं, तो इस वीडियो में मैं आपको समझा रहा हूं कि ये 113 मेडिकल कॉलेजेस ने सिर्फ रजिस्ट्रेशन किया है परमिशन मांगने के लिए कि हमें आप MBBS में एडमिशन करने के लिए अलाउ करिए इतनी सीट्स के लिए। लेकिन तो कुछ कॉलेजेस ऐसे हैं जहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर ही कंप्लीट नहीं है, हॉस्टल फैसिलिटीज ढंग से नहीं है, यानी कि जितने पैरामीटर्स होते हैं एक मेडिकल कॉलेज को एक प्रॉपर मेडिकल कॉलेज बोलने के लिए, तो तब तक NMC उनको अप्रूवल कैसे दे सकता है MCC कि सीटों में आप एडमिशन करवाना स्टार्ट कर दो। तो जब भी ये पता कब लगेगा, जब MCC अपने ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर इन कॉलेजेस के बारे में सीट मैट्रिक्स अपलोड करेगा तब पता चल जाएगा कि कौन से स्टेट में कितनी सीटें इंक्रीज होने वाली हैं। इसके अलावा मैं एक अलग से वीडियो के लिए बना दूंगा ताकि आपको अच्छे से मैं समझा पाऊँ कि कौन से स्टेट में कितनी सीटें इंक्रीज होने वाली हैं। तो ये थी कंप्लीट डिटेल कि किस तरीके से काउंसलिंग डिले हो रही है। जो मेन रीजन थे वो ये तीन ही हैं, बिना रिजल्ट के बिना स्कोर कार्ड के आप रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाओगे, रीजन फर्स्ट। रीजन सेकंड है PWD सर्टिफिकेट, जो कि 7 से 10 दिन पहले रिलीज किया जाता है, अभी तक कोई उसके बारे में इन्फॉर्मेशन नहीं है। नंबर थर्ड, सीट मैट्रिक्स अभी तक आया नहीं है, तो बिना सीट मैट्रिक्स के MBBS की काउंसलिंग स्टार्ट नहीं होती है। तो ये तीन मेजर रीजन जो कि मैंने आपके साथ शेयर कर दिए हैं। नोटिस मैंने आपको दिखा दिए हैं पिछले साल की कि किस तरीके से काउंसलिंग स्टार्ट होती है सर्टिफिकेट के बाद में, सॉरी नोटिस के बाद में, जो कि PWD सर्टिफिकेट होता है वो उसको बनाने के जो नोटिस है उसके बाद में 10 से 15 दिन का टाइम, मैक्स टू मैक्स अपन बात करें तो 15 दिन लगे थे पिछले साल, तो इस साल 7 से 10 दिन का टाइम अपन मान के चल सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। हमारी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए आपको मैंने इन्फॉर्मेशन दे दी थी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप वहां से इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो, हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो। कॉन्टैक्ट के लिए चार्जेस हैं वो मैंने आपको पहले बता दिए थे, वहाँ पर चार्जेस आपको लगेंगे ₹500 ओनली, जहाँ पर आपको इन्फॉर्मेशन मिल पाएगी कॉलेजेस के रिगार्डिंग। तो मैं अजय शर्मा ASNEET YouTube चैनल के माध्यम से आपको ये इन्फॉर्मेशन दे रहा था। आपको पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करना। मिलते हैं नए अपडेट नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।